फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। दोस्तों ये आज होने वाली है और एक प्रोडक्ट की रिव्यू, तो आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये है लोटस बोटानिकल्स की उपटन डी 10 रेडियंस फेस स्क्रब। जेंटली एक्सफोलिएट्स करती है, आपकी पोर्स को अनक्लॉग्ड करती है, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो टॉक्सिक केमिकल्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये सर्टिफाइड सेफ कॉस्मेटिक्स है। इसमें इन्फ्यूज्ड है विथ 24K गोल्ड। ये टोटली सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री एंड पीएच बैलेंस के साथ आती है। तो ये है इसकी फ्रंट की पैकेजिंग और ये है इसकी पीछे की पैकेजिंग। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं स्क्रीन पे मेंशंस करी हूँ दोस्तों। इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। ये टोटली नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट है, नो प्रिजर्वेटिव, नो सिंथेटिक कलर एंड नो मिनरल ऑयल। ये 100% वेगन, क्रुएल्टी फ्री एंड रिसाइकलेबल है। इसकी जो प्राइस है 295 है दोस्तों। मैंने इसको नायका से परचेज किया था तो मुझे वहां पे डिस्काउंट्स मिल गए थे। तो इसको यूज कैसे करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट आपको लेनी है और आपको एकदम लेयर करके आपको लगानी है आपके डैम्प फेस एंड नेक के ऊपर। हल्के हाथ से मसाज करनी है और फिंगर टिप्स की मदद से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको मसाज करनी है। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेनी है फॉर बेस्ट रिजल्ट। आप इसको बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप एक वीक में 2 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ये टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया गया हुआ है। कभी कभी आपकी स्किन को ये इरिटेट भी कर सकती है, तो इस वजह से इसको लगाते हुए दौरान कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर दिख रही है या फिर फील हो रही है तो तुरंत इसको धो लीजिए और उसके बाद डॉक्टर के एडवाइस लेना मत भूलना। तो चलिए इसको यूज़ करने से पहले इसके विषय में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ये जो है ये टोटली आपकी स्किन को एक ग्लोइंग लुक प्रोवाइड करेगी और इसमें जो उपटन एंड 24K गोल्ड इन्फ्यूज्ड है, ये टोटली अच्छी तरीके से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट्स करती है, आपकी जो डलनेस है और जो टैन स्किन है इसको ठीक होने में मदद करती है और नेचुरल रेडियंस ये प्रोवाइड करती है। और ये इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इंक्लूडिंग टर्मरिक एंड सैंडलवुड पाउडर, ये जानी जाती है क्लींजिंग एंड स्किन रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। इसकी जो टेक्सचर है ये टोटली क्रीम बेस्ड है, पर इसकी जो अंदर की जो बीट्स है ना वो काफ़ी बड़े हैं, पर ये हर्श नहीं है। और जब आप इसको फेस पे अप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे कि मैंने एकदम हल्के हाथ से इसको मसाज किया है, क्योंकि इसकी जो बीट्स है मतलब इसके अंदर जो दाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ है। तो एकदम हल्के हाथ से आप जब फेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो एकदम हल्के हाथ से मसाज करना। तो चलिए वो वाली पार्ट देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे इस्तेमाल किया है। अभी बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करके मुझे कैसे लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग ठीक ठाक है, प्राइस भी आपको थोड़ा बहुत हाई लग सकती है, पर इसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट करना मत भूलना। और जब आप अपने फेस के ऊपर लगा रहे हो तो एकदम हल्के हाथ से मसाज करना। ज़्यादा ज़ोरों से अगर मसाज कर दिया अपने फेस के ऊपर तो आपकी जो फेस है वो ख़राब हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। ओवरऑल इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब आपको एक टर्मरिक और एक चंदन की खुशबू मिलेगी और उसके साथ साथ उपटन की जो फ्रेशनेस है वो आपको ये प्रोवाइड करेगी। और जब आप इसको धोगे ना तो एक अलग सी ग्लोइंग आप अपने फेस के ऊपर पूरे दिन महसूस कर सकते हो। पर हाँ, आपको एक दफ़ा यूज़ करके ही ऐसा नहीं मिलेगा, पर हाँ आप जैसे हो जो भी हो उसको अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको अपनी स्किन में थोड़ी बहुत ब्राइटनेस दिखने को मिलेंगी, ग्लोइंग भी दिखने को मिलेंगी। आप फ़र्क पहले वाली स्किन के और अभी इसको यूज़ करने के बाद की जो स्किन है आप डिफरेंस आपने आप खुद ही समझ पाओगे दोस्तों। यू देख रहे हो लोटस के, मतलब ये जो फेस स्क्रब है इसमें जो प्रोडक्ट है ये ऊपर की पोर्शन खाली है, ये खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब आपको प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही मिलेगा। मतलब ऊपर ये जो पोर्शन है ना ये टोटली एकदम कुछ भी नहीं है, आप फील कर सकते हो। मतलब ऐसा क्यों, अगर ये वाली पॉइंट के ऊपर काम किया जाए तो ओवरऑल मुझे ये वाली पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन करती है, डी टैन भी रिमूव करती है और काफ़ी अच्छी वाली स्क्रब है। काफ़ी इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो एकदम आपके दिल को छू लेती है। आपकी जो नेक है वो अगर काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, फ़ायदा मिलेगा।
ओवरऑल बात करूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करते दौरान मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। मुझे और एक चीज़ में दिक्कत लगी, क्योंकि ये जो है ये टोटली फेस स्क्रब है, फेस स्क्रब के अंदर बीड्स अगर थोड़े और छोटे होते ना तो शायद ठीक होते, क्योंकि इसके फेस में अगर जब आप मसाज कर रहे हो तो बीड इतने ज़्यादा बड़े हैं तो आप अपने हाथों से फील कर पाओगे जब आप इसको यूज़ करोगे। तो अगर बाई एनी चांस आप जोर से घिस भी देते हो ना तो आपकी जो फेस है वो ख़राब हो सकते हैं। पर हाँ, अगर दाने इसकी जो अंदर बीड्स है वो थोड़े छोटे होते सो ओवरऑल पैकेजिंग बहुत बहुत अच्छी होती। यानी ये जो स्क्रब है ना, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, आप इसके फैन बन जाओगे। सो इस दोनों पॉइंट को छोड़ के अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है। मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसी जो रेडियंस वाली और ये D10 रेडियंस वाली कोई भी स्क्रब ढूंढ रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, आप इसके प्यार में पड़ जाओगे। सिर्फ इस दो पॉइंट को इग्नोर कर देना बस, ओवरऑल इस ओके, पैकेजिंग इज़ गुड, सो ये अच्छी तरीके से काम भी करती है। आई होप कि आपको ये छोटू वाली सी वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।